देखिए, ये तो हमने आपको बताया था कि आज OTT पर 4 हिंदी डिजिटल कंटेंट रिलीज हो रहे हैं। ऐसे में भाई वीकेंड आ ही गया है, फ्राइडे का दिन है और सैटरडे संडे आप क्या देखना चाहते हैं इसमें हम आपकी मदद कर देते हैं, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए 14 फेरे और हुड्सपा का ये रिव्यू। दोस्तों, अगर आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के किसी भी कंटेंट पर क्लिक करते हैं और 5 मिनट तक उस कंटेंट ने आपको बांध कर रखा है, मतलब साफ है कि कंटेंट में कुछ तो खास है। लेकिन क्या सोनी लिव की सीरीज हुड्सपा और Z5 की फिल्म 14 फेरे इस कैटेगरी में फिट होंगे? क्या आपको इन दोनों कंटेंट को देखने के लिए अपने 2 से 3 घंटे देने चाहिए या नहीं, ये आज आपको बताएंगे SBS Originals रिव्यू में। हुड्सपा में आपको नजर आएंगे वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, एलनाज नूरोजी, सिद्धि चौहान और गौतम मेहरा। वहीं Z5 की फिल्म 14 फेरे में विक्रांत मैसी, कृति खरबंदा और गौहर खान अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। हुड्सपा आपको इंटरनेट की दुनिया की गहराइयों तक ले जाएगी, इंटरनेट का झकझोर कर रख देने वाला काला सच बताएगी और कैसे इंटरनेट इंसानों की जिंदगी बदल देता है ये भी बताएगी। तो वहीं 14 फेरे संजय और अदिति के प्यार से लेकर शादी तक की कहानी बड़े ही क्यूट तरीके से दिखाएगी। अब इन दोनों कंटेंट्स में से पहले आपको क्या देखना चाहिए, तो SBS Originals का रिकमेंडेशन है सोनी लिव की हुड्सपा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीरीज अगर आपने नहीं देखी तो आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि इंटरनेट कैसे आपका इस्तेमाल कर रहा है, बिना आपके जाने आपकी ओरिजिनैलिटी आपसे छीन रहा है और कब आपको, स्पेशली यंगस्टर्स को, इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए एक हद तक लकीर खींच देनी चाहिए। और दूसरा, जो लोग क्रिएटिविटी का बखान करते हैं उन्हें ये सीरीज देखनी चाहिए, क्योंकि हुड्सपा देखकर आप सीख सकते हैं कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में असली क्रिएटिविटी किसे कहते हैं। घर के नौकर से लेकर वरुण शर्मा तक, एलनाज नूरोजी से लेकर मनजोत सिंह तक, हर एक एक्टर ना सिर्फ आपको हंसाएगा बल्कि इमोशनल भी कर देगा, अपनी कहानी से आपको बांधे रखेगा। इतना ही नहीं, सीरीज की सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, कमाल की साउंड डिजाइनिंग और VFX आपको शायद इस सीरीज से निकलने नहीं देंगे। और फिर भी अगर आपको ये सीरीज नहीं पसंद आई, मतलब आपको अपना टेस चेंज करने की सख्त जरूरत है। इस सीरीज के सिर्फ 2 वीक पॉइंट्स हैं, पहला इसकी लंबाई और दूसरा कुछ कुछ जगहों पर टेक्निकल मिस्टेक्स, लेकिन वो मिस्टेक्स कई लोगों को शायद नजर ना आए। और वहीं Z5 की 14 फेरे आप एक बार जरूर देख सकते हैं, विक्रांत और कृति की क्यूटनेस और उस पर गौहर खान, जिन्होंने शायद अपने करियर का बेस्ट काम किया है, ये आपका ध्यान जरूर खींचेंगे। खास तौर पर गौहर ने जो राजस्थानी एक्सेंट पकड़ा है, काबिले तारीफ है। बस ये फिल्म आपको बहन होगी तेरी और बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों की याद जरूर दिलाएगी, और इसके ट्रीटमेंट में कुछ नयापन शायद आपको ना लगे, लेकिन कहानी आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी। SBS Originals की तरफ से सोनी लिव की सीरीज हुड्सपा को 5 में से 3.5 स्टार्स और Z5 की 14 फेरे को 2.5 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। शौर्य और अनोखी की हो गई कहानी समाप्त। जी हाँ, उनकी कहानी का आखिरी दिन आ गया। तो कैसा रहा आखिरी दिन का माहौल, चलिए हम आपको बताते हैं। लफ्ज नहीं बल्कि इमोशन है, जहां पूरी जर्नी शुरू से आखिरी तक दिलो दिमाग को छूने लगती है। अब शौर्य और अनोखी की कहानी का भी हो चुका है दी एंड। ना
पागलपन होता है कि इमोशंस तो बैक सीट ले लेते हैं, यू नो, क्योंकि आपके सारे जितना भी इमोशंस आते हैं कैरेक्टर में आते हैं, ये बहुत इमोशनल है. ये जैसे हमें ये लास्ट सीन फॉरवर्ड हुआ था, तो आई थिंक शी इज़ वेरी इमोशनल अबाउट. शी इज़ लाइक, यू नो, शी इज़ प्लानिंग कि अभी इसके बाद मैं कौन सी फिल्म करूँगी, कौन सा टी वी शो करूँगी, ये सब उसके दिमाग में चल रहा है. उसको ऑफर्स भरपूर आ रहे हैं. शी इज़ सो कन्फ्यूज्ड कि करना क्या है, यू नो. शी इज़ वेरी गुड स्पिरिट. आई थिंक वो कन्फ्यूजन उसके साथ ऐसा होता है ना, वही अक्सर ये सारी चीज़ें ना उनकी दिमाग में ये सारी बातें चलती रहती है, तो आप समझ जाओ. टीआरपी के रेस में जब कोई शोबाजी नहीं मार पाता तो ऐसी कहानी को एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म कर देना ही बेहतर होता है. यही लम्हा शौर्य और अनोखी में देखने को मिलेगा. और तो और, अनोखी पर लगे इल्जाम सभी बेबुनियाद साबित होंगे. ऐसा ऐसे कॉलेज से सारी चीजें शुरुआत हुई थी, मेरा पहली बार यहाँ आना, फिर लाइब्रेरी में पीएस के साथ मुलाकात होना, तो वो सारी हम ना डिस्कस करते हैं ऐसा ऐसे बता के लाइक ये हम एक दूसरे से प्यार में पड़े, ये हमारी शादी, इतने झगड़े हुए हैं, तो ये सारी की जिद्दी, तो तुम लोग अकड़ू थे, कितने अकड़ू थे वो नहीं, तो बहुत स्वीट से मोमेंट्स जहाँ पे ना फ्लैश बैक्स दिखाए जाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, यू नो. एंड देन हम मस्ती करते हैं, यू नो, लाइक घुमाता है मुझे, एंड देन ही पिक्स मी अप, एंड देन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन. वक्त की सुई किसी भी तरफ घूमे, लेकिन खुशियों की चाबी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए. अपसेट का ही नजारा देख लीजिए, जहां फैंस की तरफ से गिफ्ट आए हैं, केक आया है और ढेरों प्यार के साथ लास्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. एक्चुअली बोलिए जी, बहुत इमोशनल हो गई है. नहीं नहीं, थोड़ा नहीं, काफी महसूस हो रहा है. और आज स्पेशली आप चाहे कितनी भी कोशिश करें ये दिखाने की और अपने आप को समझाने की कि नहीं इट्स ओके, बट इट्स नॉट ओके. एंड और एक्चुअली खालिद ठीक बोल रहे हैं, हिट तो एक दो दिन के बाद करेगा, कि अब वो रोज़ उस तरह से मिलना नहीं होगा. दो हम लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि हम कभी कभी ज़रूर मिलेंगे. आई एम ग्लैड कि ये अच्छी तरह कल्मिनेट हो रहा है. जल्दी लोग स्पीड अप कर देते हैं या कुछ, यू नो, जस्टिस नहीं कर पाते, अब्रप्ट एंडिंग दे देते हैं. यहाँ पे सबकी यही कोशिश थी, क्योंकि इतना प्यार मिला है, इतना सराहा है कि प्रॉपर एंडिंग. So that's what's going to happen. And हम दोनों लास्ट में शौर्य और अनोखी के साथ में. सबसे अनोखी, सबसे शौर्य अनोखी खाएंगे सीजन टू. बाय बाय. एक कहानी जाती है, दूसरी आती है, और यही टेलीविजन की दुनिया का दस्तूर भी है. वैसे शौर्य और अनोखी ने अपने दर्शकों को एंटरटेन किया है, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया. और कामना करते हैं कि शौर्य अनोखी का सीजन टू भी आए. मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. देखिए, कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए. खैर छोड़िए, चोट की वजह से मेरी उंगली तो परपेचुअली टेढ़ी हो रखी है, लेकिन मैं यहाँ अपनी उंगली की बात करने नहीं आई हूँ. दरअसल बात यह है कि हमारी अनुपमा ने ये रियलाइज कर लिया कि भैया अच्छे बनकर कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए थोड़ा तो टेढ़ा बनना पड़ेगा. तो जब अनुपमा ने लिया काव्या का अवतार, तो घर वाले कैसे लाइन पर आए, आइए आपको बताते हैं. चलो 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 चलो, अटे ची निकालो, अपने पति को फटाफट पैक करो, और आप अपनी सहेली के साथ जरूर जाइएगा सामान बांधने में उसकी मदद करने के लिए. मुझे मेरा घर और कारखाना दोनों खाली चाहिए, कल सुबह तक ये कहानी खत्म. अनुपमा बन गई है काव्या. अब कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए. अब काव्या और राखी दवे को यही भाषा समझ में आती है, तभी तो आग बबूला होकर अनुपमा ने इन दोनों की छुट्टी कर दी. पहले काव्या की क्लास ली, उसके बाद उसे अच्छे से समझाया कि अगर इस घर में रहना है तो हद में रहना होगा. चलो, तो वो
वहीं राखी दवे की भी इस बार अच्छे से शामत आई। पहले वनराज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद अनुपमा ने घर से बाहर का रास्ता दिखाया। आपको इस घर के स्टैंडर्ड से जरा प्रॉब्लम है, तो एक काम कीजिए ना, अपने समझे और समझन को अपने घर ले जाइए और वहां रखिए और उनका स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिए। अब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मेहनत और लगन से किया हुआ काम हमेशा अच्छा ही साबित होता है। ये बात राखी दवे, तोशु और काव्या कभी नहीं समझ पाएंगे। अब काव्या और राखी तो पराए हैं, लेकिन तोशु तो अनुपमा और वनराज का खून है ना, फिर वो अपनी सासू माँ की भाषा कैसे बोल रहा है। खैर, यहाँ पर अभी फैमिली ड्रामा बहुत लंबा चलने वाला है। इस ड्रामे की वजह केवल इतनी है कि सड़क पर वनराज और अनुपमा और हाँ बापूजी भी, ये सभी मिलकर लीला कैफे के पैम्पलेट बांट रहे थे। फिर क्या, राखी दवे ने ये देख लिया और फिर शुरू कर दिया बवाल। सड़क पे पर्चे बांटने वाले फटीचर, अगर अपने काम की पब्लिसिटी और मार्केटिंग करना भीख मांगना होता है तो उसी गली में चार दुकानें छोड़कर दवे एक्सीलेंसी कोचिंग क्लासेस का बोर्ड भी लगा तुम्हारी तस्वीर के साथ। हम तो घर वापस आ गए, लेकिन तुम्हारी तस्वीर अभी भी वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के भीख मांग रही है। वैसे अब राखी जी, आपको जवाब मिल गया है ना, तो यहाँ से निकल लीजिए। और काव्या को जो डोज मिला है ना, फिलहाल वो कुछ दिनों के लिए काफी है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस और मेघा थदनानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे जो भी कहिए, साड़ी पहनकर महिलाओं का अंदाज और उनकी जो अदाएं होती है ना, वो कुछ अलग ही हो जाती है। और जरा सोचिए हमारी प्रीशा का क्या हाल हुआ होगा कल, जिस डिजाइनर साड़ी में वो लहरा रही थी, आज उसी डिजाइनर साड़ी को पहनकर बेचारी को जेल जाना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ, आइए बताते हैं आपको। कल तक जो डिजाइनर साड़ी पहनकर प्रीशा इतरा रही थी, आज देखिए उसी डिजाइनर साड़ी को पहनकर उसे जेल जाना पड़ गया। पुलिस को प्रीशा के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि देविका का खून ये किसी और ने नहीं बल्कि प्रीशा ने किया है। अब पुलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। प्रीशा को पकड़ के वो कहने लगा कि वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। प्रीशा कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। सबसे पहले कुछ भी होता है घर में तो इल्ज़ाम किसके ऊपर आता है, मेरे ऊपर। तो इसीलिए वही इल्ज़ाम मेरे ऊपर आया है और मेरे हाथों मेरे जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं देविका के नाखूनों में, तो मैं सस्पेक्ट हूँ। अब भाई बात तो सही है, टीवी की बहू है तो किसी का खून तो करेगी नहीं। अगर प्रीशा खूनी नहीं है तो भाई खूनी कौन है? अब पता लगाने वाली बहू रानी तो जेल चली जाएगी, तो ऐसे में जासूसी कौन करेगा, कौन पता लगाएगा? खैर, अब रुद्राक्ष से उम्मीद है शायद वो कुछ कर ले। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि ओटीटी एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है, और जाहिर सी बात है कि ये बात हमारे कलाकार भी समझ गए हैं। और यही वजह है कि फिल्म के कलाकार हो या टेलीविजन के कलाकार, अब वो ओटीटी पर भी शिरकत कर रहे हैं। सचिन पिलगांवकर भी ओटीटी पर लेकर आ रहे हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स का सीजन 2। हालांकि इनका पहला ओटीटी कंटेंट आए हुए टाइम हो गया, लेकिन क्या बात है कि सचिन क्वालिटी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं क्वांटिटी से, आइए आज उन्हीं से मिलकर जानते हैं। तो दोस्तों तैयार रहिए, बिकॉज सिटी ऑफ ड्रीम्स जिसका पहला सीजन आपने देखा काफी सराहा, अब उसका दूसरा सीजन जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाला है। और हमारे साथ हैं इस सीरीज की मेन कास्ट, वी हैव प्रिया बापट, मिस्टर एजाज खान एंड द लेजेंड सचिन पिलगांवकर। सचिन सर, एजाज भाई, प्रिया, वेलकम टू एबीपी न्यूज।
यहाँ पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है और शिकायत भी है सचिन सर से कि सर सीजन वन में जब आप आए ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरुआत थी हम उम्मीद कर रहे थे किसकी शुरुआत थी नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमने आपको फिल्म्स में तो देखा है टीवी में सब जगह लेकिन ओटीटी के ऊपर हमने जब आपको देखा तो हमें लगा कि अब हिंदी कंटेंट में ओटीटी के ऊपर स्पेशली और भी आप नजर आएंगे लेकिन सर आप क्यों नहीं आ रहे क्यों मतलब हम लोग देखना चाहते हैं आपको ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और बनाते हैं उनके लिए कुछ चीजें है ना ये आप गलत इंसान से सवाल पूछ रहे हैं मतलब नहीं ये क्योंकि फैंस भी चाहते हैं कि आप हिंदी ऑडियंस जो है जो स्पीकिंग ऑडियंस है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी सराह रही है जिसके लिए आज कोई स्टार मायने नहीं रखता उनके लिए कंटेंट और अच्छे एक्टर्स मायने रखते जी वो चाहता हूँ कि आप आए पहली बात तो बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा शुमार अच्छे एक्टरों में किया तो लेकिन उसके साथ साथ मैं जरूर इस बात से अग्री करता हूँ इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से कि मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा काम करना चाहिए और मैं करना चाहता भी हूँ लेकिन कुछ कुछ चीजें बनती हैं कुछ कुछ चीजें नहीं बनती हैं बन पाती हैं तो उनमें से है कुछ कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं और बहुत जल्द कुछ ना कुछ चीजें आएंगी सामने आपके जिसमें मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा ग्रेट प्रिया पिछले सीजन में हमने देखा इट वॉज लाइक ब्रदर वर्सेज सिस्टर इस सीजन में बेटी अपने पिता से भिड़ रही है तो कितना अनोखा ये जो टक्कर है ये क्लैश कैसा होने वाला है थोड़ा सा अगर आप बता सके इस सीजन के बारे में आपने ट्रेलर देखा ना तो उस ट्रेलर में आपने देखा कितना धमाका हो रहा है उतना ही धमाका सीजन टू में ये बाप और बेटी के बीच में होगा मुझे लगता है कि जो उसे उसे पता है कि उसका सबसे बड़ा वो सबसे ज्यादा डरती अपने बाप से है और उसका सबसे बड़ा एट दिस पॉइंट उसका दुश्मन भी उसके बाप ही है जो उसे वो नहीं करने दे रहे जो उसे करना है और जिसके वो काबिल है तो ये बहुत ही धमाकेदार होने वाला है एंड वी आर वेरी हैप्पी वी लव द स्क्रिप्ट व्हेन वी रेड इट तो अभी अभी जब रिलीज होगा तो आप ही देखो और आप ही बताओ कि कैसा लगा आपको धमाका एंड यू नो आई हैव अ वेरी मैं क्या बताऊं मुझे वर्ड नहीं मिला बहुत ही अजीब सी याद है वो है एजाज भाई आपके साथ आई स्टिल रिमेम्बर शरद मल्होत्रा की शादी थी और यू वर देयर आई वाज देयर और कुछ एक्टर्स वहां पे थे और उस वक्त आपने बोला था यार मैं हॉटस्टार के लिए एक सीरीज कर रहा हूँ जल्दी रिलीज हो रही है एंड आई स्टिल रिमेम्बर योर वर्ड्स आपने वो एक्ट्रेस को बोला था गाइस डिजिटल में शुरू करो बहुत बड़ा बूम आने वाला है और उस वक्त लोगों ने नहीं सुना था और आज आई एम श्योर उनमें से कुछ लोग रिग्रेट कर रहे हैं तो आपने फ्यूचर देख लिया था क्या नहीं भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूँ अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने की कोशिश करूँ ताकि मेरा भी थोड़ा बढ़ता रहे स्टैंडर्ड समझ की और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना शुरू करूं और मुझे तब मौका मिला था नागेश सर से बात करने का ना वीज़ा नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर मैं क्या ही कहूँ तुम्हारे तो मुझे थोड़ा बहुत उनकी सेंसिबिलिटी जो समझ में आई थी मुझे था कि मुझे ये तो करना ही है और अगर OTT प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा काम हो रहा है तो अगर मैं अपने आप को समझदार एक्टर समझता हूँ तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाऊं बिकॉज टेलीविजन में आप कितना ही कर लोगे अब घुमा फिरा के TRP के तरफ में आपको कुछ चीजें वही रिपीट करनी पड़ती है जो चलती है बट यहाँ यू कैन एक्सप्लोर सो मच इनफैक्ट शरद इज डूइंग समथिंग राइट नाउ एंड अ लॉट ऑफ डिजर्विंग एक्टर्स आर गेटिंग देयर ड्यू सो आई होप यू आल्सो गेट इट सचिन सर हमने श्रिया से बात की थी जब वो दूसरे किसी एक OTT प्लेटफॉर्म पर उनका एक नया कॉन्टेंट आ रहा था तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीज बोली थी वो ये कि आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई फादर लेकिन ये जो डिजिटल एज है आई ट्राई टू टीच माई फादर सम थिंग्स तो ये जो OTT में आने का जो आपको पुश है क्या वो श्रिया से मिला है आपको नहीं पुश उससे नहीं मिला लेकिन टिप्स उससे बहुत ज्यादा मिले और ना सिर्फ श्रिया से बल्कि जैसे अभी एजाज ने कहा कि वेन यू वर्क विद गुड एक्टर्स योर परफॉर्मेंस एनहेंसेस ये चीज मैंने फिल्मों में भी देखी मतलब इट्स नॉट नेसेसरी ये परफॉर्मिंग आर्ट में ये चीज है कि जब आप अकेले होते हो अगर आप गाना गा रहे होते हो तो आप अकेले गाना गाते हो देन यू हैव टू देन इमोट योरसेल्फ एंड बेटर योरसेल्फ लेकिन जब आप डुएट गाते हो तब एक केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत मायने रखती है वैसे ही आप किसी के साथ जैसे कि इसमें मेरे ज्यादा इंटरेक्शन प्रिया के साथ है
और प्रिया के बाद अगर किसी से इंटरेक्शन है तो एजाज के साथ। तो इन दोनों के साथ काम करते वक्त जो काम का मजा आता है, मतलब हम लोगों के पास स्क्रिप्ट आती है सीन की, लेकिन सीन की स्क्रिप्ट आने के बाद हम उसको रिहर्स करते हैं सेट के अलावा बाहर बैठ के कहीं कुर्सियां डाल के, और फिर क्या है कैसे है, फिर हंसी मजाक भी बीच बीच में चलता रहता है, और फिर वापस हम डायलॉग पे आ जाते हैं, फिर बीच में सडनली वो क्यों 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 का हिसाब से डायलॉग मेरे कान पे आता है तो मैं अपना जवाब उसी डायलॉग का देता हूँ, और देते देते वो अपने सिस्टम में आ जाता है। एक दूसरे की आप इसको क्या है ना, हम एक दूसरे की मदद नहीं बोल सकते, इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। यस सर, यू नो व्हाट आई मीन, वी आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर, वी आर डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आर ओन परफॉर्मेंसेज बिकॉज दैट ऑल्सो हैज टू बी इफेक्टिव, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वी आर नॉट हियर टू कॉम्पीट विथ ईच अदर। तो उसका एक मजा, वो केमिस्ट्री, वो हमारी फिल्मों में भी मैंने महसूस किया है। लेकिन मैंने एक चीज खास तौर पर नोटिस की है OTT प्लेटफॉर्म के परफॉर्मेंसेस की, कि इसकी जो विस्कोसिटी है इस परफॉर्मेंस में, इस पर्टिकुलर जो डिमांड करती है OTT प्लेटफॉर्म और जो ऑडियंस को भी देखते हुए मजा आता है, वो स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस फिल्मों से, टेलीविजन से और स्टेज परफॉर्मेंस से कहीं अलग है। Very true. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उस चीज के न्यूएंसेस को पकड़ना जो है वो बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग भी सब टटोल रहे हैं अपने आप को जब करते नई चीज, जब लिखने वाले और बनाने वाले भी टटोल रहे हैं तो हम तो टटोलेंगे ही, है कि नहीं? काफी हद तक कुछ लोगों के हाथ में वो नस पकड़ के आ गई है OTT, वैसे एक्टरों की भी आ गई है। तो आई फील दीज पीपल एंड श्रिया आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको पता है कि यहाँ पे कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो इनको देख के हमको, मी बीइंग अ सीनियर एक्टर, अगर मुझे सीखने का मौका मिलता है तो उसमें मुझे कोई कमी जो है वो महसूस नहीं होती, बल्कि आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू, एक मेरी जिंदगी में एक इजाफा हो रहा है एज एन एक्टर, तो मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। अच्छा, श्रिया ने मुझे, जो आपका सवाल था मैं उसके जवाब पे आ रहा हूँ, कि उसने मुझे कुछ कुछ लेसन्स देने से ज्यादा मैंने उससे टिप्स हासिल की हैं उसका काम देख के। यू अंडरस्टैंड, हर बार आप आर्टिस्ट को, भले ही वो आपका रिश्तेदार हो, भले ही एजाज की तरह मेरा दोस्त हो, भले ही प्रिया की तरह मेरी बच्ची हो, लेकिन आप हर बार उनको ट्रबल नहीं दे सकते बार बार पूछ के कि ये कैसा होता है, फिर वो कैसा होता है, फिर ऐसा कैसे होता है। तो उनका काम देख के आपको उनकी चीजें जो है वो ग्रास्प करनी पड़ती है, और वही सही तरीका है सीखने का। तो वो करते करते मेरे हिसाब से मैंने अपने आप को मोल्ड किया है, और मुझे आई एम नॉट होपफुल बट आई एम श्योर दैट आगे भी मैं ऐसे ही अपने आप को मोल्ड करता हूँ। प्रिया, ये जो लड़ाई है इस बार आपकी, एज इन जो आपका कैरेक्टर है, उसमें कौन आपकी ज्यादा हेल्प इस बार करने वाला है, सचिन सर का जो कैरेक्टर है वो या फिर एजाज का? क्योंकि पिछले सीजन में भी हमने देखा था जो कैरेक्टर था सचिन सर का, वो सोचना कहीं और था, लेकिन वो दिमाग में कुछ और चल रहा था, और यहाँ पे सेकंड सीजन में भी हम अभी तक ये गेस नहीं कर पाए कि क्या होने वाला था। ऑडियंस नीड अ क्लू फ्रॉम यू। No, I don't want to give that clue. I want you to watch the episode. दूसरी बात, मैं एक छोटा सा जवाब दूंगा इसी मौजू पे कि मदद कौन करता है, ये तो वो आपको बता पाएंगी, लेकिन ये नहीं बता पाएंगी कि गुरु काका के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों मदद कर रहे हैं पता नहीं। हाँ, क्यों मदद लगेगा कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ खुद की मदद कर रहे हैं। पहले सीजन में पूर्णिमा अकेली थी, इस सीजन में उसके साथ ये दोनों हैं, मतलब वसीम खान तो उसके साथ है ही, लेकिन गौरव काका भी उसको गाइडेंस देने के लिए है उसके साथ। सो वो दिस सीजन दे आर अ टीम। उसका आगे क्या होगा कुछ मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन एक चीज कॉमन है कि गौरव और वसीम दोनों
अपने एक दूसरे को पहले सीजन में भी पसंद नहीं करते थे। मैं वही बोल रहा हूं, सीजन में भी पसंद नहीं करते हैं। And it is so interesting, जब आमने सामने आते हैं हमें पता है कैरेक्टर्स को पता है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बट दे स्टिल फाइंडिंग थिंग्स इन ईच अदर, दे स्टिल रियलाइजिंग कि अच्छा ये कर रहे हैं तो ये सही है, ये कर रहे हैं शायद ये गलत हो सकता है, उतनी शक की नजर से देखते हैं। बट वो केमिस्ट्री इतनी खट्टी मीठी और इंटरेस्टिंग है ना कि हम गले भी मिलते हैं, हम स्माइल करके भी बात करते हैं। रियली एंजॉयड डूइंग दैट, रियली एंजॉयड एक्सप्लोरिंग दैट। But that's not the case with Purnima and Vaseem. Absolutely not. They have a complete trust in each other. Complete trust. And Purnima really looks up to Gaurav Kaka, but she also has a question mark in her head. But she looks up to him. She respects him a lot. तो ये बड़ा tricky time. Which everyone should. ये मैं Purnima को बोलना चाहता हूँ कि ये politics है। आप सोचिए कि कुछ भी हो सकता है, यू नो डोंट नो कि नेक्स्ट सीएम आप लड़ रहे हो, पिता और बेटी और गौरव काका कहीं से आ जाए। सीरियसली हो सकता है, पता चले वसीम खानी बन जाए। आपसे ये चीज पूछूंगा जरूरी कि आपकी जो सीन्स होते हैं व्हेन यू आर शूटिंग विद सचिन सर, तो आप दोनों को एक्टर्स हैं, जब कट होता है तो बात बात करते हैं, लेकिन जब ऑन स्क्रीन आप जब सचिन सर के साथ एक्टिंग कर रहे हैं और वो भी वो चीज की एक दूसरे के आप दुश्मन है काइंड ऑफ, तो वो माहौल कैसा होता है, टेक होते ही क्या होता है और टेक कट होते ही क्या होता है, ये हम जानते हैं। टेक से पहले भी मैं उनसे सीखता रहता हूँ, टेक के बाद भी उनसे सीखता रहता हूँ। ड्यूरिंग द टेक तो हम लोग ऐसे है कड़क है, मतलब वी हैड ईच अदर्स थ्रोट्स। इसके पहले भी मैं उनके साथ सीन कर रहा था, जो पहले सीजन में इतना मजा आता था उनके साथ सीन करके, बिकॉज देयर वाज ऑलवेज अ कंपटीशन, हर एक लाइन वी यूज्ड टू थ्रो एट ईच अदर टू हिट ईच अदर, और बहुत मजा आता था। और इस सीजन में आई थिंक वसीम और गौरव काका कहीं कहीं ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, चलो सर्वाइवल के लिए हमें एक दूसरे से ये कॉर्डियल रहना जरूरी है, बट अंदर पसंद नहीं आता है, इट इज वेरी ऑब्वियस। एंड ज्यादा ये गौरव काका से ही आता है बिकॉज ही इज अ सीजन पॉलिटिशियन, और मैं तो ब्यूरोक्रेसी में फंसा था, मैं फोर्स में फंसा था, तो मुझे उतना समझ, वसीम खान को उतना समझ में नहीं आता, तो ही ऑलवेज रियलाइजेस दिस। और जैसे मैं कह रहा था कि टेक से पहले भी मैं सचिन सर से सीखते रहता हूँ, उसी तरह वसीम खान भी टेक के समय या अपने जिंदगी के समय वो गौरव काका से सीखते रहे। ग्रेट। अच्छा, जब हमने कल ये हमें पता चला था कि ये सीरीज आने वाली है, इसका टीजर आउट हुआ था, तो हमने अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चीज डाली थी, उसमें एक काफी इंटरेस्टिंग कमेंट था सचिन सर आपके लिए, लेकिन मैं वो तीनों से पूछना चाहता हूँ। एक फैन ने कमेंट किया था कि सचिन सर को इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, वो इतने फेमस हैं पूरे महाराष्ट्र में, कभी उनका दिल किया कि यार मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा और मैं पॉलिटिक्स में भी अपना करियर बना सकूं? बिल्कुल नहीं। ये जिनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वाह वाह वाह। तो मैं जरा मोहब्बत अफशा इंसान हूं और मोहब्बत पसंद इंसान हूं, इस वजह से मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ओके, आपका ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें जो हुई है, ही इज लाइक अ ट्रेजर ट्रव ऑफ देम, he knows so much about the industry, aur aisi aisi cheeze batayenge tumhara muh khul jayega। This I wanted to say, jo aap pooch rahe the ki agar scene ke beech mein kya hota hai, to scene ke beech mein hum Sachin sir se bahut sari purani yaadein, purane kisse ye sunte rehte, tab wahan Gaurav Kaka nahi hote, na ki Vaseem hota hai, na Purnima hoti hai। और इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें तो सचिन सर ने थोड़े दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर डाली है जब वो छोटे थे और उनके साथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग थे, और इतने क्यूट, इतने अच्छे कमेंट्स आए उस पोस्ट के ऊपर कि मुझे लगा वाह यार। सो दैट वाज अ पिक्चर ऑफ द मुहूर्त ऑफ चंदा और बिजली इन 1968, उसमें धर्म जी क्लैप देने के लिए आए थे और गेस्ट थी आशा पारेख जी, और मेरा और हरि भाई का दोनों का मुहूर्त शॉट, मतलब संजीव कुमार साहब, तो वो फोटो मैंने डाली थी और उसमें उस पर कुछ याद भी थी मेरी जो मैंने डाली थी। ओके, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बहुत इंटरव्यूज होंगे, मेरे सिर्फ दो सवाल और हैं सर आपसे है। अगर आपसे पूछा जाए कि नो डाउट वी नो सचिन पिलगांवकर एक ही हैं और एक ही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि आपका अक्स किसी एक्टर में, तो वो एक्टर कौन हो सकता है
अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। मेरा अक्स, मेरा अक्स मिलना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देर आर अ फ्यू पीपल हु आई विल नॉट से हैव फॉलोड मी, बट आई विल से दैट उनको कुछ कुछ चीजें अच्छी लगी थी जो उन्होंने अच्छाई की वजह से अपने में ढाली। तो उनमें से दो तीन नाम हैं, एक 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 नाम है स्वप्निल जोशी, अगर आपने नाम सुना हो, बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, बहुत टेलीविजन पे भी बहुत काम किया है, ओटीटी पे भी अभी आ रहे हैं उनका, उनके दो सीजन आए हैं अभी। तो वो उनको जो चीज़ें अच्छी लगी हैं उन्होंने उसको अपनाया है, तो अक्स नहीं कह सकूंगा मैं, अक्स इट्स रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ उनमें है। कुछ कुछ चीज़ें आपको, मैंने जिन जिन आर्टिस्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है उनके अंदर भी आपको वो चीज़ें मिलेंगी, जिनको मैंने नहीं किया है, जिन्होंने मेरा काम देखा है, अगर मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए तो एक नाम मैं लूंगा आमिर का। हाँ, तो आमिर ने भी मेरा काम उसके स्कूल डेज से देखा हुआ है, तो इस वजह से वो कुछ कुछ चीजों को उसने जो है, इवन कटियार कागजात घुसली तक उसने मेरा काम देखा हुआ है, मतलब ज्यादातर उसने ये, ही हैज मेड इट अ पॉइंट टू सी माई वर्क। तो ऐसे लोग हैं जो एक प्रशंसक भी हो सकते हैं, शहदाई भी हो सकते हैं, और जो है वो कुछ कुछ अच्छी चीजें, जैसे कि मैंने, आई वॉज इम्प्रेस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय हरि भाई संजीव कुमार, तो मैंने भी उनकी अच्छाइयां लेने की कोशिश की, तो वैसा ही वो होता है। एंड आई थिंक क्या चमन में इख्तिलात रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अमेजिंग। एंड एजाज भाई, जाते जाते सवाल आपसे, हम लोग तो एक्साइटेड हैं, आप लोग भी एक्साइटेड हैं, बट पवित्रा का रिएक्शन क्या था जब ये वाला रूप आपका उन्होंने देखा सीजन अभी ट्रेलर? यार उसे मैं वैसे ही रोल में पसंद हूँ, मूंछों के साथ ऐसे कड़क रोल में, शी इज वेरी हैप्पी एंड शी इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज उसे लगता है कि दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट वर्क। तो इनफैक्ट कल मिल नहीं पाया मैं, अभी जाके मिलूंगा उनसे, अभी उनका रियल एक्सप्रेशन देखूंगा जब वापस, जब प्रोमो दिखाऊंगा और मैं डाइसेक्ट करूंगा कि प्रोमो में क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, एज अ एक्टर्स पर्सपेक्टिव आई लव टू गेट हर, गेट हर पर्सपेक्टिव। बट मैं बहुत बहुत खुश हूँ यार, सबसे पहले तो बहुत वेट किया हमने इसके लिए, बहुत सैक्रिफाइसेस दी इसके लिए, और द प्रोमो इज वर्थ द वेट एंड इंशाल्लाह द शो विल आल्सो। श्योर श्योर, तो इसी नोट पे थैंक यू सो मच आप तीनों का हमसे बात करने के लिए, एंड उम्मीद करते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स का तीसरा सीजन भी आए और उतना ही सक्सेसफुल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम राज, थैंक यू, थैंक यू। पड़ा एक थप्पड़, जी हाँ, टेलीविजन पर जब जब थप्पड़ पड़ता है ना तो झकझोड़ कर रख देता है हर किसी को, यहाँ तक कि कैमरा को भी, और यहाँ पर तो पूरी की पूरी बरसात हो रही है थप्पड़ों की, मॉनसून सीजन जो चल रहा है। वही सीरियल साथ निभाना साथिया की बात कर रहे हैं, जहाँ गहना को पड़ रहे हैं दे दनादन तमाचे। अगर आपको किसी को थप्पड़ मारना हो तो भाई ये थप्पड़ मारने से पहले थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना कि सामने वाले को थप्पड़ कैसे मारा जाए। तो भाई ये ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं गहना की सासू माँ से तो आपका वेलकम है। अब गांधी जी ने कहा है कि अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो इस सीन को देखकर लग रहा है कि गहना गांधी जी की कही हुई बात को फॉलो कर रही है, तभी तो इस सासू माँ जब थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही है तो गहना का कभी लेफ्ट गाल तो कभी राइट गाल। बिचारी नाजुक सी गहना कितने थप्पड़ खा लिए हैं वो तो उसे भी नहीं याद होगा।
एक खैर आप सुनते जाइए कि गहना को थप्पड़ पड़ क्यों रही है। वो क्या है ना, एक गहना ने हाल ही में गाड़ी चलाना सीख लिया है और गहना को लगता है कि उसके हाथों एक किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो इंसान अस्पताल में पहुंच गया है। फिर क्या, ये पुलिस घर पर आई और ले गई अनंत को पकड़ के, क्योंकि अनंत एक गहना को भला गिरफ्तार कैसे होने दे सकता है। देखिए शक तो हो रहा है अनंत को, पर अनंत को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यू नो ये किस बारे में है। ये सुबह जल्दी जाती है तो जाती कहाँ है, लोग जो है रात को लेट आते हैं, सुबह जल्दी जाती है तो मुझे पता नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ और मैं फंस जाती हूँ, तो ये बार भी ऐसा ही हुआ है। मैं कुछ और सोच कर मैं कुछ और करने जा रही थी पर मुझसे कुछ और हो गया, तो अभी वही हम उसको कवर अप करने के और उसको छुपाने के चक्कर में यू नो मैं इधर उधर भटक रही हूँ और किसी को पता नहीं चला है अभी, क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ किसी को पता ना चले, पर पता तो चलना ही है और सबका रिएक्शन उस पर आएगा ही, तो लेट्स सी। मेरे को भी नहीं पता आनंद जी कैसे रिएक्ट करेंगे इसको जानने के बाद ये सारी चीज़ें। है वैसे ये कहानी अभी गोल 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 बहुत लंबी चलेगी कि कौन किसको बचाएगा, किसने किसका एक्सीडेंट किया है, फिर अस्पताल में कौन है, ये सब चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। हमने तो आपको मुद्दे की बात बता दी कि थप्पड़ पड़ा है गहना को तो उसकी दिमाग की बत्ती भी जल गई है और देखना वो कैसे अब सच सबके सामने लाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज भाई थप्पड़ों का दिन है, मेरा मतलब है टेलीविजन पर। एक तो बिचारी गहना को थप्पड़ पड़ा, तो यहाँ पर शोक सभा में, रणवीर की शोक सभा में बिचारी सीरत को पड़ रहा है थप्पड़ और मार रही है उनकी सासू माँ, क्योंकि सासू माँ का मानना है कि ये लड़की, इसी लड़की ने मेरे बेटे की जान ली है। मतलब वो होता ना ट्रेडिशनल वाला डायलॉग कि मेरे बेटे को खा गई टाइप, वो वाली फील। जिसका बेटा चला गया हो और जिसका सुहाग उजड़ गया हो, भला उनका दुख दर्द उनके अलावा कौन समझ सकता है। बेटे अगर माँ के सामने अपना दम तोड़ दे तो उसकी जिंदगी और दुनिया सब खत्म हो जाती है उसके बाद, तो बहुत दुखदाई सीन है। रणवीर की माँ जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, वो आग बबूला तो होगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहू सीरत कार्तिक से प्यार करती है। उसके मन में यही बात है कि बेटे को इसी बात का सदमा लगा और वो बीमार हुआ और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ चीज़ें ऐसी घटी जिसकी वजह से उसकी माँ को भी लगने लगा कि इन सारी जो भी घटनाएं हुई हैं उसके पीछे इन दोनों का हाथ है। रणबीर की शोक सभा में जब वो कार्तिक के साथ आई तो सीरत को खूब सारे ताने सुनने पड़े। कार्तिक ने बचाव में कुछ बातें भी कही लेकिन फिर उसे भी रणबीर की माँ ने चुप करा दिया, यानी कि अब बेचारी सीरत सच में दुखियारी हो गई है। अब कार्तिक को इस सीरत का साथ तो देना ही पड़ेगा, रणबीर की आखिरी ख्वाहिश भी थी, यानी कि धीरे धीरे अब कार्तिक और सीरत एक बार फिर से मिलेंगे। अपनी ही शोक सभा में जरा पर्दे के पीछे देखिए कैसे करण कुंद्रा सबसे टाटा बाय बाय कह रही हैं। अगर आप रणवीर का कैरेक्टर देखोगे तो एंट्री से लेके लास्ट तक उसको इतना कुछ करने को मिला, उसका वेव, उसका ग्राफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे बहुत मजा आया करते हुए। अब सेट पर उनका आखिरी दिन था, अब इस सीरियल में करण को दोस्त भी मिले और हाँ इस सीरियल से वो बहुत कुछ लेकर भी तो जा रही हैं। मोहसिन यू नो और शिवांगी और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तुम्हारी एक इनहेरेंट केमिस्ट्री थी हम तीनों की जो कि बहुत मज़ेदार थी, जो कि रिफ्लेक्ट होती थी
स्क्रीन पे, तो वो मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे, सब बहुत इन तीनों को बहुत वो करते थे, प्यार दिखाया लोगों ने बहुत, तो वो चीज़ आई एम श्योर कि वो मिस होगी। टाइम हमने ऑफ कैमरा स्पेंड किया वो मुझे जो है बहुत याद आएगा, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे क्रिएटिव्स, हमारे एक्टर्स, तो वो पूरा कुछ होता है। लोगों को यूजली लगता है कि यार ये एक्टर्स है तो एक्टर्स के साथ ही इनका केमिस्ट्री होगी, ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक्टर्स हैं तो हमारे डायरेक्टर्स के साथ, एसोसिएट्स के साथ, क्रिएटिव्स के साथ, राइटर्स के साथ भी केमिस्ट्री होती है जो कि बड़ी फन होती है। सो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद आएगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए अंग्रेजी में तो कहते ही है अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, और यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर खाना खाएं, इस पर काफी जोर दिया जाता है। तो लीजिए, एक नया परिवार टेलीविजन की दुनिया के साथ जुड़ रहा है, अपना नया सीरियल लेकर आ रहा है जिसका नाम है जिंदगी मेरे घर आना। अब सीरियल ऑन एयर हो से पहले शूटिंग शुरू हो गई है, और कैसे साथ में ये मिल बैठ कर अपना लंच खाते हैं आइए दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अमृता सखूजा जिंदगी मेरे घर आना के सेट से, और मेरा नाम है ईशा कंसारा, और हमारी लंच पार्टी हो रही है जो कि हर रोज़ होती है हमारे सेट पे जब से शूटिंग शुरू हुई है। पहले कुछ कुछ लोग नहीं आते थे, फिर धीरे धीरे करके सब लोग आने लगे। अब इतना बड़ा टेबल लगता है हमारे यहाँ पे और सब अलग अलग तरह का खाना लेकर आते हैं। आइए हम दादी जी से पूछते हैं कि दादी क्या, अच्छा ओके, हाँ दादी जी कुछ पुलाव लेकर आई है, मम्मी जी कुछ भुर्जी लेकर आई है जो खा रही है और सब कॉन्टिनेंटल, मेक्सिकन, पंजाबी, गुजराती। हाँ, मैं लाई हूँ लौकी की सब्जी और मिलेट का रोटी जो कि है ग्लूटेन फ्री। रोज एक ट्रीट आती है ये तो बताना। हाँ जी, ये दो जो है जिनकी शक्लें बिहाइंड द कैमरा दिखती है और अभी भी अपनी शक्लें नहीं दिखा रहे हैं जो OS में है। हाँ, हमारे यहाँ खीर पूरी आती है, केक्स आती है, गुलाब जामुन आते हैं। इनकी जो वाइफ है वो बेहद अच्छा खाना बनाती है, इन्होंने बेहद आपका शो भी किया है बैठा। और ये है सतीश शेट्टी जी जो कि हमारे कैमरामैन DOP है जे, जो हमको बहुत खूबसूरत दिखाते हैं और हम लंच टाइम में जो भी जंक फूड खाते हैं उसको भी कवर करते हैं। ये है हमारे पापा जी। पापा जी, आज आप क्या लेकर आए हैं? आलू गोभी की सब्जी और राजमा, और मुझे सैलेड मिला नहीं मुझे की तरफ से। ओके, थैंक यू वेरी मच, सब कुछ खाया जाएगा। ये है ईशान धवन जिनका कैरेक्टर नेम है कबीर, आप क्या लेकर आए? मेरे लिए स्पेशली डायरेक्टर सर यानी कि राहिब सर मेरे लिए राजमा चावल लेकर आया। क्या बात है, आई एम लविंग इट। हां, यहां पे सब लोगों के लिए खाना आता है और किसी के लिए भी। मम्मी जी क्या लेकर आई हैं? मैं राजमा और पनीर का सैलेड लाई हूं। क्या बात है। हाँ, हम लोग थोड़ा हेल्दी होने का भी ट्राई करते हैं सो दैट हम लोग आपके लिए ऑन स्क्रीन अच्छे दिख सके। हाँ, माँ आप क्या लेकर आई है? अब आपने कबाब लेके आई, मैं वो ब्राउन राइस मसाला वाला, और मैं आलू की सब्जी। क्या बात है, ये सब मैं खाने के लिए तड़प रही हूँ। और हमारे दो बच्चे जो कि यहाँ सब लोग जो लाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, है कि नहीं? एक मिनट। हाँ, ये चने खाते हैं लंच में? नहीं, एक्चुअली फिर अब बिगड़ गए और ये सब कुछ खाने लगा क्योंकि वो छुपा लेते हैं। डॉली जी आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं आज पनीर पूरी लाई हूं सबसे, पर मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा लिया। हाँ, मैं रोज सबसे ज्यादा बहुत सारा ले लेता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये हुआ हमारा लंच सेशन और अब मैं खुद खाने जाऊंगी। अब खत्म हो गया अभी। हाँ, अभी मेरा शूटिंग। Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।